सो हेलो बच्चा पार्टी। आज हम सभी जानते हैं कि सभी देशों का अपना अपना राष्ट्रीय पशु है, लेकिन भारत में आपको पता होना चाहिए 1973 से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था। आखिरकार बाघ कैसे ये सफर तय कर पाया? रिजर्व बैंक जो कि पहले शेर का सिंबल लगाता था वो अब बाघ का सिंबल लगाता है। तो इसके पीछे का सभी सच्चाइयों को हम जानेंगे और समझेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है 1947 की आजादी से। आजादी के साथ 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र की लागू होना और उसके बाद समय समय के अनुसार भारत के राजकीय भाषा और सभी चीज़ों को लागू करना, जैसे कि भारत का राष्ट्रीय फूल हो या फल हो, उसी तरह भारत के राष्ट्रीय पशु के लिए सवाल उठ रहे थे। तो इस श्रेणी में बाघ और शेर, ये दो जो जन थे वो आगे आ रहे थे। आखिरकार भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ को ही क्यों घोषित किया गया? तो इसके कारणों को हम जानते हैं। इसका सबसे पहला कारण है बाघों की आबादी। विश्व में जितने भी % आबादी जो है भारत में ही रहता है, यानी कि बाघों की 70% आबादी भारत का ही निवास स्थल है। तो आप समझ सकते हैं, एक रीजन है। दूसरा रीजन था इनकी प्रकृति। बाघ जो है अपना शिकार करता है तो अकेले खाता है, किसी को खाने नहीं देता, लेकिन बाघ अपने शिकार को सभी में मिल बांट के खाता है। तीसरा कारण जो है वो ये है इनकी अल्पसंख्यकता, यानी कि इनकी कमी और इन पर हो रहे शिकार, इनको कम करने के लिए घोषित किया गया। जहाँ तक मेरा मानना है, बाघों की राष्ट्रीयता मिलना बहुत उचित होगा, क्योंकि ये जायज है, क्योंकि इनकी आबादी बहुत कम है और प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य यही है, इनको बचाना। तो आप समझ ही पाए होंगे कि 1973 में भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ को ही क्यों घोषित किया गया। बाघ सचमुच की एक ऐसी कैट है, मतलब कैट की ही एक प्रजाति है, जो अपने विद्वता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। लेकिन भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ क्यों इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट कहला रहे हैं? कारण ये है इनकी ऊपर एक बेस्ट। तो इसके लिए हम समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट पार्ट। लेकिन आपने देखा होगा भारत का जो सिंबल है उस पे शेरों के चारों ओर निशान है, जैसे कि भारत का अशोक स्तंभ, लेकिन उस पे शेर क्यों है? उस पे बाघ होना चाहिए। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको न्यू अपडेट चाहिए KYC यानी कि नो योर कंट्री, तो आप सेकेंड पार्ट जरूर देखिए और आप अपने देश के बारे में जानिए, क्यों, कैसे, कब।